अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं कंस्ट्रक्शंस के काम से जुड़ी कुछ बेहद मजेदार मशीनों की इन्फॉर्मेशन लेकर, जो कि वाकई में ही आपका काफी नॉलेज बढ़ाने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। नंबर 1, सोइल कम्पैक्टर मशीन। जमीन को बराबर करने वाली ये मशीन मिस्त्रियों के काफी काम आ रही है। आप देख सकते हैं ये किस तरह काम कर रही है। नंबर 2, प्लास्टरिंग वर्क। यहाँ ये मिस्त्री गीले प्लास्टर पर कांडी नाम के टूल की मदद से खूबसूरत डिजाइन बना रहा है, जो कि वाकई में ही काफी कमाल का है। नंबर 3, पावरफुल जैक हैमर। जब पुराने घर की छत का लेंटर तोड़ना हो तो आज के दौर में कम बजट में कुछ इस तरह के टूल का इस्तेमाल किया जाता है। ये टूल किसी मजबूत हथौड़ी की तरह वार करता हुआ लेंटर को तोड़ता जाता है, और वो भी बड़ी आसानी से। नंबर 4, कंक्रीट हाउस 3D प्रिंटर। दोस्तों फ्यूचर में किस तरह कंस्ट्रक्शन का काम आसान होने वाला है, इसकी मिसाल है ये मशीन जो 3D प्रिंटर की मदद से यहाँ दीवार बना रही है। नंबर 5, वाटर जेट कंक्रीट डेमोलेशन। यहाँ पानी को हथियार की शक्ल में इस्तेमाल करके लेंटर को तोड़ा जा रहा है, जिससे धूल मट्टी भी नहीं उड़ती। नंबर 6, लैंड कॉम्पैक्टर। ये अजीबो गरीब सी दिखने वाली मशीन दरअसल जमीन को ठोस बनाने का काम करती है। नंबर 7, स्मार्ट प्रीफैब हाउस। पहली नजर में किसी बक्से की तरह दिखता हुआ ये ढांचा दरअसल में एक घर है। ये एक तरह का फोल्ड होने वाला घर है, जिसे आप अपनी जरूरत के मुताबिक कहीं भी खोलकर खड़ा कर सकते हैं। इस छोटे घर में एक कमरा होता है। नंबर 8, पाइप अनलोडिंग टेक्निक। सेवरेज के बड़े पाइप को ट्रक से उतारना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये भारी तो होते ही हैं और साथ में इनको कोई झटका लगने पर ये टूट भी जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ ये कारीगर रस्सी को पुल्ली के साथ बांधकर पाइप को आहिस्ता आहिस्ता उतारते जाते हैं, जिससे पाइप महफूज तरीके से नीचे उतार लिए जाते हैं। नंबर 9, ब्रिकी वॉल बिल्डिंग टूल। ये टूल ईंटों की चिनाई करते हुए कितना फायदेमंद हो सकता है, ये आप खुद ही देख सकते हैं। इस टूल की मदद से सीमेंट एक बराबर तो बिछता ही है और साथ में ये बाहर भी नहीं गिरता। नंबर 10, वॉल कटिंग बाय मशीन। पहली नजर में आपके लिए यहाँ समझ पाना मुश्किल होगा कि यहाँ क्या हो रहा है, तो हम आपको बता दें कि यहाँ मोटर की मदद से इस पिलर के एक हिस्से को काटा जा रहा है। नंबर 11, मैविक गैजेट। क्रेन की मदद से इस घर के अलग अलग हिस्सों को जोड़कर एक पूरा घर बना दिया गया है, और वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। नंबर 12, ड्रम थिएटर 7। इस टूटी को वॉश बेसन में फिक्स कर देने के बाद इस टूटी के मुंह को आप कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर कई जोड़ होने की वजह से आप इसे किसी भी शक्ल में इस्तेमाल में ला सकते हैं। नंबर 13, शीट पिलिंग बाय मेसो सॉल्यूशन। एक ऊंची बिल्डिंग को बनाने से पहले उस जगह को ठोस बनाया जाता है कि जहां पर बिल्डिंग बनानी हो, ताकि जमीन धसे नहीं। तो इसके लिए यहां इस क्रेन की मदद से लोहे की बड़ी बड़ी पट्टियों को जमीन में काफी गहराई तक गाड़ा जाता है। नंबर 14, रिमूव स्नो ऑन रोड। बर्फीले मौसम में जब सड़क पर पड़ी बर्फ बिल्कुल जम जाती है तो वो फिसलन की वजह भी बन जाती है, तो इस बर्फ को हटाने के लिए इस मशीन की मदद ली जाती है। नंबर 15, रिवर्सेबल विब्रो प्लेट। यहाँ गीले सीमेंट पर लोहे की एक जाली को रख दिया जाता है, जिसके बाद इसके ऊपर इस मशीन को चलाया जाता है, जो इस जाली को दबाती जाती है और इसके दबने से खूबसूरत टाइल जैसा डिजाइन बन जाता है। नंबर 16, रोगलर स्टील डोर। ये शख्स इस दरवाजे को बहुत कम जोर से अपनी तरफ खींचता है और ये दरवाजा बड़े ही अनोखे तरीके से खुल जाता है। इस तरह के दरवाजे को देखकर आपके दिल में भी ये सवाल आया होगा कि भला इस दरवाजे की क्या जरूरत। तो हम आपको बता दें कि कई सारे लोग सादा चीजें पसंद नहीं करते, तो उनके लिए इस तरह के डिजाइन को बनाया गया है। नंबर 17, ब्रिक क्लैडिंग सिस्टम। दीवार पर टाइल लगाने की ऐसी टेक्निक शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी। यहाँ दीवार पर टाइल लगाने से पहले वहाँ लोहे का एक ढांचा लगाया जाता है, जिसमें टाइल को फंसाने के लिए कई सांचे बने होते हैं। यहाँ कारीगर को सिर्फ बस टाइल को रखना होता है और टाइल लग जाती है, और वो भी बिना किसी सीमेंट की मदद से। नंबर 18,
मिनी प्लग विद कल्टीवेटर। दोस्तों यहाँ एक मोटर के साथ एक हल को फिक्स कर दिया गया है और जब इस मोटर को चालू किया जाता है तो ये टूल बड़ी ही आसानी से खेत में हल चलाता जाता है। जो काम किसी ट्रैक्टर की मदद से लिया जाता था वो काम ये टूल बड़ी ही आसानी से कर लेता है। नंबर 19, पॉलीयुरेथेन कास्ट फ्लोर। अक्सर लोग अपने घरों में टाइल या पत्थर की जगह कुछ इस तरह के फर्श को तैयार करवाते हैं, जिसके लिए पॉलीयुरेथेन नामी केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। इसे कंक्रीट के ऊपर फैला फैला कर फर्श की शक्ल दी जाती है और ये फर्श टाइल की ही तरह खूबसूरत और चमकदार दिखाई देता है। नंबर 20, कटिंग कंक्रीट विद अ कोर। कंक्रीट की इस दीवार को ये शख्स एक बड़ी ड्रिल मशीन की मदद से सुराख करके काट रहा है, जिसे एक किस्म को जुगाड़ भी कहा जा सकता है। इस तरह की सुराख करने के लिए एक बड़ी ड्रिल मशीन की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसे इस्तेमाल करना हर मिस्त्री के बस की बात नहीं होती। नंबर 21, 900 डिग्री रोटेशन पार्किंग लॉट। इस बिल्डिंग के अंदर गाड़ियां गोल गोल घूमते हुए इस बिल्डिंग की छत तक पहुंच जाती हैं, जो कि वाकई में ही काफी कमाल की टेक्निक है। नंबर 22, सुपर कंक्रीट स्क्रूड मशीन। सड़क बनाते वक्त सड़क को बराबर करने के लिए कुछ इस तरह की मशीन की मदद ली जाती है, जो कंक्रीट को एक बराबर मिकदार में सड़क पर रखती है और फालतू कंक्रीट को आगे धकेलती जाती है। नंबर 23, एलुमिनियम शिंगलेट। यहाँ इस कारीगर के काम करने की रफ्तार से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शख्स अपने काम में कितना अच्छा है। यहाँ झोंपड़ी नुमा छत को बना देने के बाद ये शख्स घर की छत पर बड़ी ही तेज रफ्तार से एलुमिनियम की टाइल्स को लगा रहा है, जिन्हें ये पहले एक के आगे एक रखता जाता है और इसके बाद इन्हें फिक्स करने के लिए इन पर कील भी ठोकता जाता है। नंबर 24, हंकलिंगर। दोस्तों फुटपाथ को बनाने के लिए टाइल्स को इस्तेमाल में लाया जाता है और कई मुल्कों में कारीगर इसे हाथ से उठाकर एक एक कर लगाते हैं, जिससे ये काम काफी मुश्किल और लंबा हो जाता है। तो इस काम को आसान बनाने के लिए कुछ इस तरह की मशीन को इस्तेमाल में लाया जाता है। ये मशीन एक ही बार में अपने अंदर कई सारी टाइल्स को जकड़ लेती है और इसके बाद इन्हें उठाकर सही जगह पर लगाती जाती है। नंबर 25, सीनियर फ्रांस। यहाँ ये कारीगर घर के कमरे के टेम्परेचर को बरकरार रखने के लिए एक मोटे थर्मोकोल के टुकड़े को दीवार पर चिपकाने के लिए जा रहा है। एक सही साइज पर इसके टुकड़े को काटने के बाद कारीगर इस पर गिलू लगा देता है और फिर इस टुकड़े को दीवार पर लगा दिया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।